गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट एंड स्टडी मटेरियल की वीडियो पाने के लिए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड बेल आइकन दबाएं, लेटेस्ट अपडेट पाएं। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी का फॉर्म आपको कैसे ऑनलाइन करना है। जो लेटेस्ट में वैकेंसी आई हुई है, इसका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, इसमें 4 स्टेप में होना है। बेसिक डिटेल है, फिर एडिशनल डिटेल है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बेसिक डिटेल है, फिर एडिशनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, अदर डिटेल है। ये 4 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉलो करें, पूरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ आ जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। खुद से आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप है, या मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, क्रोम पे जा कर के अच्छे से। चलिए तो फॉलो करिए। देखिए पहले तो इसमें दिया गया है बेसिक डिटेल में आपको फिलअप क्या क्या करना है, वो ध्यान से देखिए। बेसिक डिटेल में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें बोला हुआ है कि डू यू आधार कार्ड, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अगर आपने अप्लाई कर रखा है आधार कार्ड के लिए तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं है तो नो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बिना आधार कार्ड के आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई करना है तो आधार कार्ड नंबर डालना होगा, तो यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई का ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आपको वेरीफाई भी करना होगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास इनरोलमेंट नंबर होगा, तो यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप आईडी, तो यहाँ पर अगर आपके पास आपने नो चूज़ किया है तो ये तो देखिए स्टार बना हुआ है, इस ऑप्शन को तो आपको चूज़ फिलअप करना ही करना है। सेकेंड आते हैं टाइप ऑफ आईडी, तो यहाँ पर कोई ना कोई आईडी आपको लगानी होगी, कई सारी आईडी दिया हुआ है, जैसे डीएल है और पैन कार्ड हो गया, कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो आपके पास जो हो वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ करके आप नीचे आईडी नंबर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नेम अपना डालना है, नेम वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम मेंशन है, जो स्पेलिंग है सेम टू सेम बिल्कुल वही डालनी है, ठीक है। मैच कर लीजिएगा एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले, एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से पहले आप एक बार उसको क्या करेंगे, रीचेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें नेम डालने के बाद आपको वेरीफाई नेम करना है, यानी फिर से कन्फर्म नेम करना होगा। फिर हैव, यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपका कोई दूसरा भी नेम है तो उसमें नीचे आप निकनेम एज अ निकनेम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से देखिए ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टार इसमें नहीं लगा हुआ, जिसमें स्टार मेंशन है उन सभी को आपको फिलअप करना है। फादर्स नेम यहाँ पर आप डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेरीफाई फादर्स नेम, यानी अगेन आपको फिर से फादर्स नेम डालना है। फिर आपको मदर्स नेम यहाँ पर डालना है, मदर्स नेम फिर से अगेन आपको मदर्स नेम फिलअप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ से मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में क्या करना है कि आफ्टर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, ठीक है। मतलब फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे, हाँ। चलिए डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपने वेरीफाई भी कर ली डेट ऑफ बर्थ। फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डिटेल दी गई है, मतलब एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है, इलाहाबाद है या यूपी बोर्ड है, जो भी है आपका बोर्ड मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आपको, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, एनआईओएस है, ठीक है। जहाँ से भी आपने किया है हाई स्कूल तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। कोई समस्या हो तो हमसे आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेरीफाई यहाँ से करना है, एजुकेशन बोर्ड फिर से आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। रोल नंबर डालना है, जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर यानी मैट्रिकुलेशन 10th का रोल नंबर जो था वो डालना है, फिर यहाँ से आपको वेरीफाई भी करना है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ से क्या करना है, ईयर ऑफ पासिंग है, फिर वेरीफाई करना है, यानी सभी जो ऑप्शन है वो आपको 2 टाइम्स फिल करने हैं, ये वेरीफाई फिर करना है, ईयर ऑफ पासिंग
जेंडर आपको चूज़ करना है, वेरीफाई जेंडर करना है, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। मैट्रिकुलेशन, टेंथ पास है तो टेंथ पास करेंगे, या टेंथ प्लस टू है, हायर सेकेंडरी है तो ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रखी है, जो भी है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से क्वालिफिकेशन फिलअप करने के बाद में ऑप्शन नाइन नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है, तो मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा वही फिलअप करिएगा जो आपके पास हो, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर रहे हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर ईमेल आईडी करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ, मतलब आपको यहाँ पर एड्रेस चूज़ करना है कि आप परमानेंट एड्रेस, ठीक है, मतलब एड्रेस आपको यहाँ पर चूज़ करना है, कहाँ से हैं आप, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश करेंगे यहाँ पे, जहाँ से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है, फिर आपको सेव कर लेना है, ठीक है, अगर ठीक है सही है, सारी डिटेल सही है तो सेव कर लीजिएगा। सेव नहीं करेंगे तो अगर आप कहीं से आपका स्टॉप हो जाता है, या सर्वर प्रॉब्लम होता है, या बाय चांस आप स्लाइड को कट कर देते हैं, तो आपकी डिटेल जो है वो आपको फिर से फिल करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको डिटेल फिर से फिल नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको ऑप्शन नेक्स्ट पे जाना है, और फिर आपको क्या करना होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको सेकंड स्टेप में एडिशनल डिटेल क्या क्या फिलअप करनी है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको फॉलो करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।